कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का सामाजिक विज्ञान यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास के पाठ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोग को तीसरी हेडिंग जो है राष्ट्रवाद का विकास इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हो गई थी। फ्रांस की क्रांति आप लोग पढ़ चुके हैं, 1789 ईस्वी से पूर्व फ्रांस में तीन वर्गों में विभक्त था। वो तीन वर्ग कौन कौन से थे उसमें आपको बताया गया है, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और जनसाधारण वर्ग। तो इस तरह से तीनों वर्गों का अनदेखा करना ही उसके द्वारा प्रतिक्रिया स्वरूप अपने आप को राष्ट्र घोषित करने हेतु विवश करता है। वैसे भी कुल फ्रांसीसी जनसंख्या का लगभग 90% थे, फ्रांसीसी जो थी जनसंख्या का लगभग 90% थी। नेपोलियन के उदय ने राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया, उसके प्रशासनिक सुधारों ने राज्यों को एकीकृत कर राष्ट्रीय भावना को मजबूती प्रदान की। दूसरी ओर चूंकि उसका शासन का स्वरूप फ्रांसीसी था, अतः स्पेन से प्रारंभ होकर यूरोप के अन्य देशों में फ्रांसीसी अथवा विदेशी शासन के प्रतिरोध में राष्ट्रवाद की भावना फैली। यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास फ्रांसीसी क्रांति के पहले अमेरिकी क्रांति अमेरिका के क्रांति अमेरिका के क्रांति से ही प्रारंभ हुआ। और सतत धीरे धीरे राष्ट्रीय भावना ने राष्ट्रीय चेतना का रूप धारण कर लिया। इसमें जर्मनी के निवासियों ने
जर्मनी निवासी 1868 ईस्वी में महासंघ मिलकर एक निर्वाचित संसद निर्वाचित संसद द्वारा राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था। राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था। राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था किंतु फौजी ताकतों ने दबा दिया। ऑटो वान बिस्मार्क प्रथा का चांसलर बना। चांसलर बनकर के जर्मनी के एकीकरण करने के लिए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध लड़ा। जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क तथा फ्रांस से युद्ध करके 18 जनवरी 1871 वर्साय के महल में प्रथा के राजा विलियम प्रथम को प्रथा के शासक विलियम प्रथम को वहां का चांसलर यानी सम्राट घोषित किया और जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन हुआ और 19वीं शताब्दी में
इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था और उसी का लाभ उठा करके 1830 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया और इस प्रयास में सार्डिनिया का प्रधानमंत्री काउंट कावुर ने फ्रांस से एक कूटनीतिक संधि की और गैरिबाल्डी के नेतृत्व में सशस्त्र सेवकों ने इस युद्ध में भाग लिया और 1861 ईस्वी में रोम तथा पोनेसिया को छोड़कर के संपूर्ण इटली के प्रतिनिधियों ने इटली के राज्य की घोषणा की और इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित कर दिया। इस तरह से दोनों प्रयासों के द्वारा जर्मनी तथा इटली का एकीकरण हुआ। इसमें राष्ट्रवाद ने राष्ट्रीय गौरव को उत्तेजित किया, जर्मनी को इतना महत्वाकांक्षी बना दिया कि वह विश्व शांति के लिए खतरा बन गया। हर राष्ट्र के लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार को अन्य राष्ट्रों से श्रेष्ठ समझने लगे। इससे धीरे धीरे छोटे छोटे देशों को भी प्रभावित किया और राष्ट्रीयता की लहर में अन्य देश के हितों का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे ये राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।